press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आओ साथ चले, आओ साथ चले।
जितने भी साथी बंधु खड़े हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्थान ग्रहण कर लीजिए। बाबा बलकार सिंह जी सरोपा और एक तलवार बेच करे, तालियों से स्वागत कीजिए। तो बलकार सिंह जी ने सरोपा और तलवार भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है। साथियों, गैलरी में ये हमारे वर्तमान प्रधान अमनदीप जी को और पूर्व प्रधान भोपराम जी, ये भी अब स्वागत कर रहे हैं। वसुंधरा जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो साथी बंधुओं, अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। कुछ ही चंद मिनटों के बाद अपने विचार रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं भाई गुरदीप सिंह साहब इन्हीं को आमंत्रित करूंगा कि वो आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत के संबंध में दो शब्द कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भाई गुरदीप सिंह जी साहब इन्हीं मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के आदर और सम्मान के लोग मुख्यमंत्री साहब श्री वसुंधरा राजे जी और सम्मानित मंच आदर और सम्मान के लोग मेरे बुजुर्गो, मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी माताओं बहनों, मेरे पत्ते पत्रकार बंधुओं, आप तो पता ही है आने वाली 7 दिसंबर को हमारे राजस्थान का इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसका भविष्य आपने लिखा है। और मैं आपसे अपील करता हूँ, आने वाली 7 तारीख को आपका एक वोट एक हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालकर माननीय मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। और हमारा जो इलाका है वो एक कृषि प्रधान इलाका है, और उसके अंदर जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, मेरे हल्के के अंदर टोटल 24 मेरे हैं, जो मैम 22 साल के कम्प्लीट हो चुकी है और 2 साल का काम चल रहा है और 2 के लीडर हो चुके हैं। और पक्के खानों के अंदर हमारे पैसा बहुत आया हुआ है और उसका काम हनुमान मंदिर में पूरे जोर से चल रहा है। और उसके अलावा हमारे पंचायतों के अंदर सड़कें नालियां और नालियों के अंदर बिजली का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्कीम के अंदर बहुत नालियों के अंदर कनेक्शन हुए हैं, बाकी होने बाकी वो हो जाएंगे सभी। दूसरा हमारा जो टिब्बी क्षेत्र है का जो तहसील है वो उसके अंदर जो पटो भूमि आबादी भूमि है उसके लिए हमारे पटों के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मकान बहुत आए हुए हैं और बेचारे गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि आबादी भूमि के पटे नहीं मिल रहे। और मैं उसे गुजारिश करूंगा कि आने वाली सरकार अपनी होगी और जो आबादी भूमि क्षेत्र है। राम राम साहब, राम राम सबको, मेरा बहुत राम राम। और सबसे पहला मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट फोटोग्राफर्स को, प्लीज बैठने को ताकि मैं वहां देख सकूं। प्लीज फोटोग्राफर्स, इलेक्शन कैंपेन हमारा है, आपको फोटो लेना है, आप अपना करते रहिए पर बैठ जाइए ताकि मैं अपना काम कर सकूं। मंच पर उपस्थित हमारे प्रत्याशी श्री शापिनी जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री बलबीर सिंह जी, नगर पालिका संगरिया के श्री नाथुराम जी सोनी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप जी बेनीवाल, महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती गुलाब सेवर, टीबी पंचायत समिति के प्रधान श्रीमती अमनदीप कौर, वरिष्ठ भाजपा नेता लूना राम जी मित्तल, हरियाणा बीज निगम के अध्यक्ष श्री प्रदीप श्री पवन जी बेनीवाल, और दोनों जन जो हरियाणा से हमारे बीच में हम सबको मदद करने के लिए आए हैं, माननीय श्री आदित्य चौटाला जी और श्री राम सिंह जी बराड़, दोनों का भी मैं इस मंच के ऊपर स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि वो चल के आए हैं हमको साथ देने के लिए। मैं इसलिए आप सब के जोर से स्वागत करिए, क्योंकि ये एक परिवार का जश्न है, ये चुनाव है पर एक परिवार का जश्न है। आज मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 7 दिसंबर 11 दिन बाकी रखते हैं। 7 दिसंबर पे क्या होने वाला है, अपना
चुनाव है, 7 दिसंबर को अपना चुनाव है, 11 दिन बाकी रहते हैं और कांग्रेस पूरी तरह से बौखलाई हुई है, लगी हुई है ये कहने के लिए कोई अच्छी बात बता नहीं सकती है, परंतु बार बार ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती है कि नरेंद्र मोदी जी के पिताजी कौन है, उनकी माता जी कौन है, उनका जात कौन है, वसुंधरा राजे क्यों अमित शाह के लिए झुकती है, ये कोई प्रश्न होते हैं? मैं समझती हूँ कि जनता के बीच में जब अपन आएंगे तो ऐसी आलोचना एक दूसरे के बारे में करना ये कहां तक मुमकिन है। चुनाव के अंदर भी अगर हम आते हैं तो जनता के बीच में जब खड़े होते हैं तो ये सोचना जरूरी है कि हमने जनता के लिए क्या किया। एक तरफ कांग्रेस है उनके 50 साल का चिट्ठा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, हमने अभी पिछले 5 साल में क्या काम किया है उसका बार बार मैंने गौरव यात्रा के अंदर खड़े होकर मंच के ऊपर हिसाब देने का काम किया है। मैं आज आप लोगों के सामने मालूम है कि मैंने आपको आदर किया है, आपका आदर किया है, आपको परिवार समेत माना है, आपका को सामने रख के आपकी के ऊपर राज करने का नहीं सेवा करने के भावना से इस मंच पर बैठने का काम किया है। मुझे मालूम है कि 50 साल से अभी आपके बीकानेर के अंदर ही हुआ, कल प्रधानमंत्री जी ने भी बात उठाई थी, परंतु ये आपके सामने मालूम है, ये भी वायरल हुआ मामला है। आप लोग जानते हो कि अभी कुछ ही दिन पहले भारत माता के नारा लग रहा था बीकानेर में, लग रहा था ना भारत माता का नारा लग रहा था, कांग्रेस वालों ने क्या कहा, मत बोलो भारत माता, बोलो सोनिया माता की जय हो। यही भारत का दुर्भाग्य है, हम लोगों ने परिवारवाद के अंदर सब कुछ खोने का काम किया है। यही एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के अंदर छोटे से छोटा कार्यकर्ता ऊपर तक जाने का काम कर सकता है। कोई सोच भी सकता था कि इतना छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई सोच भी सकता था कि इतना बड़ा इतना छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और इस परिवार के बीच में हमने कभी भेदभाव नहीं रखे हैं। हम लोगों ने जो भी शुरुआत की है वो शुरुआत की है हमारे बूथ से, हमसे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से काम हमने चालू किया है। और आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारा नेता ऊपर से नहीं आता, हमारा नेता नीचे से काम कर करके ऊपर तक जाता है। मेरे 30-35 साल हो गए, सब आप ये सोचते हो कि ये तो बड़े आराम से मुख्यमंत्री बनी होंगी, 35 साल मेहनत करने के बाद आज इस प्रदेश के इस मंच के ऊपर आप लोगों ने मुझे बैठाया है। मैं कभी एक मिनट के लिए भी ये नहीं भूलती हूँ कि मेरे देवी देवता सामने हैं और ये देवी देवताओं के ही आशीर्वाद की वजह से, उस देवता की वजह से, आज हमारे संत और महात्मा के आशीर्वाद की वजह से हमारा प्रदेश अब फिर अग्रणी प्रदेश बनने के रास्ते पे आ गया है। मुझे याद है जब 14 में मैंने सरकार संभाली थी, उस समय मेरे हाथ में एक पिछड़ा हुआ राजस्थान दिया था, इतना भारी कर्ज हम लोगों के कंधे के ऊपर था, बिजली के ऊपर इतना भारी कर्ज था, मेरे को थोड़े दिन के लिए यह भी लगा कि शायद हम लोग इसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे, एक मिनट के लिए लगा कि जनता के बीच में कैसे जाऊंगी, उनके इस बिजली के काम को कैसे पूरा करूंगी, बिजली के खंभे लेटे हुए थे, आपके जो तार थे वो लंबे खिंचे हुए थे, आपके जो ट्रांसफार्मर्स थे वो जले हुए थे और सही तरीके से बिजली लोगों के बीच में नहीं जा रही थी। आज मैं घर से ये कह सकती हूँ कि आपके बिजली के खंभे खड़े हो गए, आपके तार सब खिंच गए, आपके जो ट्रांसफार्मर्स है वो बदला आराम से बदल रहे हैं और आपको बिजली आराम से क्षेत्र के अंदर अब मिलने लगी है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात। अभी मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा था कि आपको एक चीज मेरे को बताने की जरूरत है कि इस क्षेत्र के अंदर आप लोगों के क्या क्या काम हुए हैं। मैं अभी रावला
घरसाना से आ रही हूँ, मैं अपने इस पूरे क्षेत्र को एक दफा निगाह से देखते हुए निकल रही हूँ और मैंने देखा सब दूर जनता ने आके इसी तरीके से आशीर्वाद देके कहा कि हमें चाहिए वो लोग जो अपने वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हमारी पब्लिक के बीच में आके पैसा हमारा खर्च करके हमारा काम करके छोड़ते हैं। आज इंदिरा गांधी फीडर के मुख्य नहर और इसकी नहरी प्रणाली जो है उसको जीर्णोद्धार करते हुए, सेम की समस्या जो इतनी बुरी थी इस पूरे इलाके के अंदर उसका निवारण करते हुए आज करीबन 3,300 करोड़ रुपए की लागत से रिहैबिलिटेशन का जो काम करवाया है वो अपने आप में न भूतों न भविष्य दे रहा है। मैं यहाँ हमारे मंत्री होंगे डॉक्टर साहब, हमारे मंत्री जो यहाँ के आपके क्षेत्र के ही हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि लगातार इस क्षेत्र के नहरों का दौरा कर करके उन्होंने बार बार मेरे और आप लोगों के बीच में कड़ी बन के और ये कोशिश की है कि जो काम है वो जल्दी जल्दी से काम हो जाए, खर्च हो जाए ताकि आप लोगों का काम जल्दी हो जाए। ये लोहारगढ़ हेड, इसकी कितने बार लोगों ने मेरे से बात की थी, लोहारगढ़ हेड की बात बार बार आपने भी और आपके साथ के लोग भी मेरे से आके की थी। मैं आपको ये कहानी ये कहना चाहती हूँ कि आज 63 करोड़ लगाकर हम लोगों ने उसकी रीलाइनिंग करके जो सीपेज होती थी उसमें से उसको रोकने का काम किया है। मैं समझती हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा आपके लिए पेच था जिस पेच को ठीक करने का काम इस सरकार ने किया। वाकड़ा सिंचाई नहर प्रणाली के लिए रीलाइनिंग और साथ में उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों की बकाया किश्तों को जो ब्याज था उसको माफ करने का काम, उसकी तारीख बढ़ाने का काम 31 दिसंबर 2018 तक हमने बनाने का काम किया है। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, काम में कोई कमी नहीं हुई है। सूरतगढ़ हनुमानगढ़ की सड़क कितनी बड़ी सड़क है, भारतमाला का काम कितना, वो 10,000 करोड़ रुपए का जो अब सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर कराने का काम कर रहे हैं। संगरिया से कैचिया की जो सड़क है 18 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हो रहा है और रावतसर से भादरा का सड़क 86 किलोमीटर उसकी 215 करोड़ राशि उसके ऊपर खर्च होने वाली है। मैं समझती हूँ कि उसका फायदा आप लोग सबको मिलेगा। मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक तरफ तो आपके 50 वर्ष और एक दफा आपके 5 वर्ष, महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की मुश्किल मैंने देखा, खुद महिला होने के नाते मुझे समझ में आती है कि महिलाओं को कितनी परेशानियां होती हैं। बच्चे बड़ा करने के लिए आसान नहीं होता है और जब बच्ची पैदा होती है इसलिए मैंने कहा कि उनको मजबूत वहीं से करना, बुढ़ापे तक हमारी महिलाओं को मजबूत करने का कार्य यह सरकार करेगी। और इसीलिए बच्ची पैदा होते ही आपके हाथ में 2,000-2,500 रुपए देने का काम हमने किया और जब तक वो स्कूल 12 क्लास से बाहर निकलती है तब तक नगद पैसा उसके हाथ पे 50,000 रुपए तक पहुंच जाता है। उसको किसी के सामने हाथ फैला के गिड़गिड़ाने की जरूरत ही नहीं है। उसके साथ में गर्म भोजन स्कूल के अंदर, उसके साथ में आंगनबाड़ियों में दूध का एक गिलास हमारे बच्चों के लिए, उसके साथ में लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी अगर वो स्कूल से बाहर निकल जाती है और उसके पास कार्ड है, उसको ज्यादा पढ़ना है तो 55,000 रुपए उसको और मिल जाते हैं। जो महिला या पुरुष जाते थे राशन की दुकान पे और राशन की दुकान पे आप सबको मालूम होता था कि कितनी मुश्किलें होती थी। अपन अपनी किताब लेके जाते थे तो राशन वाला अपनी किताब को रख लेता था और बाद में आपको यह कहता था कि राशन हमारे पास नहीं है, राशन सब बाजार में बिकता था। आज आपको कार्ड दिया है, वो कार्ड लेके जब आप उनके बीच में जाओगे आप उस कार्ड के ऊपर 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो जितना गेहूं अपना है वो निकाल के ले जा सकते हो। जब बाहर पहुंचोगे तो आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपने 4 किलो गेहूं लिया है, बाकी बकाया आपका सुरक्षित हमारे पास रखा है। माताएं बहनें, मुझे मालूम है कि आपको कितनी चिंता है अपने बच्चियों की। आपको लगता है सब लोग जो यहाँ है कि हमारी बच्ची स्कूल में जाती है वापस सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। इसको समझ के राजस्थान की सरकार ने तय कर लिया कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आंख उठाता है हमारी बच्ची के ऊपर तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम तय करेंगे, हमने कानून बनाया और कानून बना के हमने ये तय कर लिया कि सजा फांसी की हम उसको देंगे जिसने कभी भी उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की।
सकती हूँ कि 9 लोग ऐसे हैं जिनको फांसी की सजा सुनाने का काम इस सरकार ने किया है। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ माताएं बहनें जो आप जाती हो, आपको पेंशन की जरूरत है, जो हमारी बूढ़ी अम्मा जाती है अपना पेंशन लेने के लिए, तो पहले आप जाते थे पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में कहता था नहीं आया, अगले महीने भी नहीं आया, 2-3 महीने आपको घुमाते थे, और जब पैसा आता था उसमें से कुछ पैसे रख लेते थे, और 500 रुपए में से पूरे 500 आप लेके वापस नहीं आ सकते थे। आज 7 तारीख को आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है, आपको किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, और आप आराम से टेलीफोन के ऊपर मैसेज आ जाता है कि आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ गए हैं। माताएं बहने, आज के दिन मैं सिर्फ आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि मुझे मालूम है कि शिक्षा के ऊपर आपका ध्यान लगा हुआ है, हमारी बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी, 2 परिवार को मजबूत बनाने का काम करेंगी, और मैं आपको यह भी आज बताना चाहती हूँ कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी हम लोगों ने सब कुछ किया है। आज ऐसा कोई नहीं है गरीब व्यक्ति जिस व्यक्ति को फ्री दवाई फ्री इलाज उस कार्ड के ऊपर नहीं मिलता है। 67% इस प्रदेश के गरीब जनता आराम से अस्पताल में जा सकती है, अगर उसका कोई ऑपरेशन करना हो तो ऐसे ऐसे अस्पताल में जा सकती है जहां वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरा ऑपरेशन होगा। हमने आपको 2 गोली और 1 पत्ते से झुंझुना पकड़ा के ये नहीं कह दिया कि आपको फ्री दवाई मिल गई। हम 30,000 से लेके 3,00,000 तक आपको पैसा देते हैं, आपको अस्पताल में रखते हैं, 21 दिन रहना पड़े, 22 दिन रहना पड़े, सब पूरा बिल पेमेंट होता है, और आपकी दवाई इलाज में जो दवाई लगती है वो भी फ्री आपको देते हैं। आपके रोड बन गए, आपके पानी का इंतजाम हो गया, आपकी बिजली का इंतजाम हो गया, अभी आपके कॉलेजेस और स्कूल ये मेरे ध्यान में है, और मैं आपको ये सब कहना चाहती हूँ कि ये कॉलेजेस एंड स्कूल्स को और मजबूत करने के लिए हम आगे काम करने वाले हैं, परंतु मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ कि आपके स्कूल 38 माने एक साथ 38 स्कूल आपके इस क्षेत्र के क्रमोन्नत हो गए। ये कभी नहीं होता था भाइयों, आपको याद होगा जब अपन पहले MLAs वगैरह थे तो मंत्री के पास जाना पड़ता था, बार बार मिन्नत मांगनी पड़ती थी। इस सरकार ने एक पेन से 6,500 स्कूल्स की क्रमोन्नति एक साथ करने का काम किया, क्योंकि हमारे बच्चों को वक्त नहीं है, जल्दी से जल्दी ये पूरा ढांचा खड़ा हो जाएगा, टीचर्स अपनी जगह पे आ जाएंगे, डॉक्टर्स अपनी जगह पे आ जाएंगे, तो हमको मुसीबत नहीं होगी। इस बार इस 5 साल के अंदर हम लोगों ने भर्तियां की, टीचर्स की भर्ती की, और हमने कोशिश की कि वो जो स्कूल्स के अंदर खाली जगह थी वो खाली जगह भरा दिया जाए। मैं खुशी से आपको कह सकती हूँ कि 2,50,000 लोगों की भर्ती इस बार हुई है, और 1,00,000 और की भर्ती हो जाती जिसमें रीट वगैरह सब थे, परंतु कांग्रेस वालों ने चला के अपने सुशील शर्मा के द्वारा एक कागज लिख के इलेक्शन कमीशन के पास भिजवा दिया कि अगर ये नौकरियां दोगे तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और इसलिए ये नौकरी न दी जाए और उनके ऊपर रोक लगाने का काम कर दिया गया है। भाई और बहनों, ये चुनाव खत्म होते ही वो भी हो जाएंगे और 1,00,000 नौकरियां आपकी और हो जाएंगी, तो मार्च 2019 तक सरकारी नौकरियों का 3,25,000 हमारे गरीब बच्चे उसके साथ जुड़ने का काम करेंगे। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने मुद्रा बैंक के द्वारा मुद्रा लोन हमारे बच्चों को दिलाने का काम किया। आज 50,00,000 बच्चों को वो लोन मिला है स्वरोजगार योजना के लिए। अगर उसमें से 50% ने भी स्वरोजगार किया तो मैं समझती हूँ कि 25,00,000 लोगों को उसका फायदा मिला है। टोटल 40,00,000 नौकरियों का अवसर सरकार ने दिया है, और मैं इस बार आपको ये भी कहना चाहूंगी कि ये तो पहली बात थी जो मैंने सरकार के अंदर इसका जायजा किया, परंतु आने वाले समय के अंदर इसको और बढ़ाते हुए और लोगों को इसके दायरे में लाने का काम हम लोग करेंगे। और मैं विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारे टीचर्स में, हमारे डॉक्टर्स में, हमारे CHC PHCs में, और आज हम लोगों ने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, जो 50 साल में इन्होंने 7 खोले थे, आज 5 साल में हमने 7 खोलने का काम कर दिया है। अगर ये पहले खोले होते तो आज आपके पास डॉक्टर्स होते, उनकी कमी नहीं होती, परंतु अब मैं कह रही हूँ कि उनका पहला बैच निकल चुका है और अगले 2-3 साल
क्योंकि इतना समय लगता है डॉक्टर बनने के लिए। 2-3 साल के अंदर हमारे ही प्रदेश के अंदर हमारे ही बच्चे निकल के आ जाएंगे, तो अच्छी संख्या में हम उनको अपने गांव-गांव तक फैला के जहां डॉक्टर्स नहीं है उसको सुदृढ़ करने का काम कर सकेंगे। भाई और बहनों, चुनाव का टाइम ऐसा होता है जब कोई अपनी वाणी के ऊपर संयम नहीं रखता। मुझे बड़ी परेशानी हुई जब मैंने पिछले सरकार की मुखिया की बात को सुनी कि मैं अमित शाह जी के सामने झुकी। जैसे मैंने अभी कहा कि परिवार के बड़े लोगों के सामने तो हमेशा आदमी झुकता है। आप पढ़ते हो ना पैर, आप झुकते हो कि नहीं झुकते हो अपने परिवार के बड़े लोगों के सामने? झुकते हो। ऐसी भाषा इस्तेमाल की, मैंने कहा कि ये मानना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके सामने तो हम झुकेंगे, ईश्वर के सामने हम झुकेंगे, हम जनता के सामने झुकेंगे, हम हमारे परिवार के सामने झुकेंगे। और आज मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि इस परिवार के पीछे ही हम यहां खड़े हैं। आज इस परिवार के पीछे ही हमने जयपुर के अंदर बैठ के बजट नहीं बनाया, हमने जनता के बीच में घूम घूम के, लोग कहते हैं महारानी है, इनको शायद ये भूल गए हैं कि आजकल के जमाने में, लोकतंत्र के जमाने के अंदर जनता ही महाराजा और जनता ही महारानी, ये शायद समझ में नहीं आई है उनको। और जितने जल्दी वो समझ जाए उतने जल्दी ही उनको राजनीति के अंदर थोड़ा सा फायदा मिल जाए। अभी इतना अहंकार है, कभी कभी मैं देखती हूँ इन लोगों ने तो तय कर लिया, हमने तो चुनाव जीत लिए, हमने मंत्रिमंडल भी बना दिया, हमने अपने डिपार्टमेंट भी बांट दिए, हमने मुख्यमंत्री के ऊपर वहां उलझ गए। कौन सा बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा करोड़पति? ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि वो होगा, उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। हमने कहा कि यहां कोई करोड़पति नहीं बनने वाला, जो भी बनेगा वो जनता का सेवक बनेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए, जनता को पूछते हुए, जनता को अपने सामने रखते हुए, अपना परिवार मानते हुए, प्रेम के साथ सबको जोड़ते हुए, किसी भी मजहब के बीच में, किसी भी जाति के बीच में दीवार न खड़ा करते हुए, किसी भी भाइयों को, दो भाइयों को अलग न करते हुए, सबको साथ लेके राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। यही व्यवस्था है और यही व्यवस्था होगी। इसी व्यवस्था के अंदर हमारा जो राजस्थान पिछड़ा हुआ था वो अग्रणी प्रदेश बनेगा। अरे भाइयों, ये आपका क्षेत्र वो क्षेत्र है, यहाँ से एक आदमी बाहर जाता है, चाहे वो कलकत्ता जाता है, बंबई जाता है, या विलायत जाता है, विदेश जाता है, जहां वो झंडा गाड़ता है वहां वो सफलता पूर्वक अपना धंधा चलाता है। तो क्या अगर इतने हजार लोग तय कर लें कि हम एक साथ इस राजस्थान को ऊंचा चलाएंगे, इसको अग्रणी प्रदेश बनाएंगे, तो क्या राजस्थान भी सबसे अग्रणी प्रदेश देश के अंदर नहीं बन सकता है? क्या आप लोग सब साथ मिलके ये काम नहीं कर सकते हैं? अगर हमें करना है तो हमें चाहिए एक नौजवान दौड़ने भागने वाला व्यक्ति, जिसके पीठ के पीछे भी ऐसे लोग हैं जो इनके साथ भागेंगे, जो महिलाओं का आदर करता है, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है, जो युवाओं को साथ लेके आगे दौड़ता है, ऐसा व्यक्ति जो डरता नहीं है, जो आपके लिए खड़ा होके आपकी आवाज को बुलंदी के साथ उठाए, ऐसे व्यक्ति को हमने आपके सामने आज खड़ा किया है। और मैं ये विश्वास आपका करती हूं कि आप भी प्रेम के साथ सब मिलके एक साथ सब जाति सब मजहब इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों से पूछा, मेरा तो कोई काम वैसे नहीं होता है जब तक मैं आपसे पूछती नहीं हूं। मैं एक हूं जिन्होंने इस पूरे नहरी इलाके को करीब से देखा है, मैं एक हूं जिसने दौरा किया है, वो भी 55 डिग्री गर्मी में। इसलिए मैं आज आपको कह रही हूं कि इनके बिना तो मैं आपके माला डाल नहीं सकती। आप हाँ करो, डालू जोर से, बोलो डालू। अब भैया आप लोगों ने मेरे हाथ से माला तो डलवा दी, अब अपनी इज्जत है, अब सब लोग मिलके भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेके मिस्टर शापनी जी
जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो है और भारी जन समर्थन में मिल रहा है। घोटाले हैं सब जमा कर रहे मिलकर काला धन, ना बिजली है ना पानी है, आम आदमी रहता परेशान। हम साथ चले तो बह निकलेगी फिर विकास की धारा, हम साथ चले तो महंगाई से मिल जाए छुटकारा। आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले। शिक्षा सुरक्षा रोजगार दावे ही बनकर रह गए सारे काम, धोखे के ऊपर धोखा है कब तक सहेगा अब ये राजस्थान। हम साथ चले तो हर सपना सच होगा हमारा, हम साथ चले तो चमक उठेगा राजस्थान का तारा। आओ साथ चले, 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 आओ साथ चले। हर तरफ से आ रही है ये पुकार, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले। घोटाले ही घोटाले हैं सब जमा कर रहे मिलकर काला धन, ना बिजली है ना पानी है।